लोगों के सामने कलर चेंजिंग फीचर्स को हाईलाइट करके वीवो ने अपनी सेल्स को काफी हद तक इंक्रीज किया। वीवो V23 इंडिया फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन। आप 35,000 रुपए देकर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने जाते हो और उसका सबसे पहला फीचर क्या है? कलर चेंजिंग, है ना जीपा। और ये फीचर काम तब तक करता है जब तक धूप निकलती है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि इस फोन के क्या क्या वीक पॉइंट हैं और आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। मतलब यार, स्मार्टफोन कंपनियां इनोवेशन के नाम पे क्या लेकर आ रही हैं? कलर चेंजिंग फीचर्स। अगर कोई वाटरप्रूफ, जैसे कि गारंटी वाटरप्रूफ देते या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से फीचर्स देते या फिर बिल्ड क्वालिटी देते कि ये फूटेगा ही नहीं कभी भी, तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीवो V23 का प्राइस है 29,000 रुपए और इससे अच्छे अच्छे फीचर्स एक ऐसे स्मार्टफोन में मिल जाते हैं जिसका प्राइस है 22,000 से 23,000 रुपए। तो इस वीडियो में आगे मैं उस फोन का नाम भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं इस फोन के सबसे मजेदार फीचर के बारे में। सबसे अच्छा फीचर है कि ये फोन कलर चेंज करता है। और दूसरे जो फीचर्स हैं, जैसे कि इस फोन की सेल्फी काफी ज्यादा अच्छी है। 50 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा है इसके अंदर। एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट है। 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी है, ना कि ज्यादा फास्ट है। तो ये बैटरी की लाइफ इसकी फोन की अच्छी चलेगी। Vivo V23 एक 5G फोन है। इस फोन में दिया गया है MediaTek Helio 920 प्रोसेसर, जो कि आपको देगा 2.5 GHz की स्पीड। अगर आप बात करें 30,000 के अंदर आप इतनी कम स्पीड लेके, कम तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ कम से कम मिनिमम स्पीड यार ऐसा प्रोसेसर यूज करते हैं जैसे कि MediaTek Dimensity 1200, जो कि आपको मिलता है 23 Pro में। अगर आप 30,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 GHz तक की स्पीड तो मिलनी चाहिए। मतलब वीक पॉइंट है इसका, इस फोन में मिलती है आपको 4200 mAh की बैटरी, जो कि थोड़ी सी कम है इतने प्राइस के हिसाब से। कम से कम 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। खैर, एक चीज इसके अंदर अच्छी है कि आपको मिल जाता है 44 वॉट का चार्जर, जो कि ठीक है, लेकिन यार बैटरी इतनी कम भी सही नहीं रहती। अगला जो पॉइंट है वो 3.5 mm जैक ही नहीं। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो 3.5 mm वाले ईयरफोन्स अपने कान में लगा के म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, लेकिन इसमें साइड में एक अडेप्टर तो मिलता है 3.5 mm का, लेकिन फोन में भी एक दे देते तो ज़्यादा बढ़िया है। इस फोन में आपको एक नॉच मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और फोन का लुक बिल्कुल सामने से बिल्कुल लुक खराब कर देती है। फिर अगेन बात करें, कैमरा तो अच्छा है लेकिन इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिससे कि आपकी जो वीडियोज़ हैं या फिर फोटोज़ हैं, मतलब वीडियोज़ हैं, वो उन इतनी ज़्यादा जिगजैग मोशन में अच्छी नहीं आई। इस फोन में आपको मिलता है सिंगल स्पीकर। अगर आप इसमें डबल स्पीकर यूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। और क्योंकि आजकल तो यार 10 से 12 हज़ार रुपये तक के फ़ोन्स में डबल स्पीकर यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। थोड़ा सा क्या, एक और स्पीकर लगाते हैं। फोन में आप यूज़ कर सकते हो 2 SIM, लेकिन कोई भी SD कार्ड लगाने के लिए कोई स्पेस नहीं दे रखा। और इस फोन में आपको मिलती है डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन 90Hz की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि अगर 120Hz होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। देखो कंपनी वाले कितने चालाक हैं। ये मिलते हैं आपको 2 कलर ऑप्शंस फोन में, हैं आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो है सनशाइन गोल्ड, जो कि कलर चेंजिंग फीचर्स देता है, और एक है स्टैंडर्ड ब्लैक, जो कि कलर चेंज नहीं करता, और दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। तो ये लोगों के सामने कलर चेंजिंग फीचर्स को हाईलाइट करके वीवो ने अपनी सेल्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया है और ये फ़ोन थोड़े दिनों में ही आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। अगर मेरे को कोई 30,000 रुपये तक का फ़ोन खरीदना होता तो मैं बिल्कुल भी वीवो V23 को नहीं खरीदता। मैं खरीदता, 8,000 रुपये बचाता अपने और मोटरोला का S20 फ्यूजन खरीद लेता। उस फोन में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।